हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आर्ट्स। मैं हूं नील। आज मैं ड्राइंग करूंगा पार्वती और गणेश का, और इसके लिए यूज़ करूंगा स्केच पेन। पहले मैं ब्राउन कलर से हल्का हल्का करके स्ट्रोक दूंगा बैकग्राउंड पे। उसके बाद यूज़ करूंगा ऑरेंज कलर। उसके बाद साइड में करूंगा ब्लैक कलर से स्ट्रोक। उसके बाद वाटर कलर का जो ब्रश है और पानी के मदद से उसको मिक्सिंग करूंगा धीरे धीरे हल्का हल्का करके मिक्सिंग करूंगा। इससे क्या होगा, पूरा जो रंग है एक के साथ एक मिक्स हो जाएगा। देखिए पूरा ब्लेंड हो जा रहा है पानी की मदद से। उसके बाद आधा कुछ देर बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद दुर्गा जी का जो फेस है उसको मैं ड्राइंग करूंगा। उसके लिए येलो कलर यूज़ करूंगा, हल्का हल्का कर स्ट्रोक देके और पानी की मदद से उसको ब्लेंड करूंगा। अभी हाथ का पोर्शन कर रहा हूँ, नीचे थोड़ा ऑरेंज कलर यूज़ किया हूँ और ऊपर में लेमन येलो, और उसके बाद फिर से पानी और वाटर कलर ब्रश से उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसमें उसको मैं ऑरेंज कलर और रेड कलर से करूँगा। अभी जो साड़ी है उसको करूँगा येलो ऑकर को हल्का हल्का करके स्ट्रोक दूंगा। एक्चुअली ये हल्का वाला होगा इसीलिए फिर से पानी के मदद से उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। देखिए अब गणेश जी का फेस को पिंक कलर और स्किन कलर से हल्का हल्का करके उसको भी पानी से ब्लेंड करूँगा धीरे धीरे। ब्लेंड करने से क्या होगा, पूरा कलर मिक्स हो जाएगा। अभी थोड़ा साइड का टोन जो है स्किन का वो दे रहा हूँ। अभी रेड कलर को लेके साड़ी के साइड का जो आँचल है पार है उसको दे रहा हूँ धीरे धीरे स्ट्रोक देके। उसको भी पानी से थोड़ा ब्लेंड कर लूँगा। अभी हेयर को कर रहा हूँ ब्लैक कलर से धीरे धीरे स्ट्रोक देके हल्का हल्का करके पूरा हेयर को मैं कर रहा हूँ। देखिए ऊपर का हिस्सा हो जा रहा है। अभी नीचे का हिस्सा कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। अब जो लोटस है उसका कलर कर रहा हूँ पिंक कलर से, और नीचे का हिस्सा रेड दे रहा हूँ थोड़ा डार्क पार्ट के लिए। अभी ग्रीन कलर को दे रहा हूँ। कैसा हो रहा है ड्राइंग, बहुत इजी हो रहा है ना? प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा ये ड्राइंग। अभी आँख का ऊपर का हिस्सा कर रहा हूँ। अभी गणेश जी का जो मुंह का जो टोन है वो धीरे धीरे कर रहा हूँ। इसके हो जाने के बाद अभी साड़ी का जो डार्क पार्ट है थोड़ा उसको करने के लिए येलो ऑकर का यूज़ करूँगा और थोड़ा पानी की मदद से उसको ब्लेंड करूँगा, और हेयर जो है उसको भी हल्का हल्का करके पानी से ब्लेंड कर दूँगा। उसके बाद थोड़ा करके आउटलाइन बना रहा हूँ ऊपर का आँख। देखिए कैसे हो रहा है, हल्का हल्का करके करूँगा। उसके बाद पूरा ड्राइंग को आउटलाइन करके कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी लोटस कर रहा हूँ, उसके बाद करूँगा गणेश जी का आँख। देखिए गणेश जी का आउटलाइन, अभी गणेश जी का पूरा आउटलाइन करूँगा। उसके बाद उसका आँख बनाऊँगा जैसे ऊपर में दुर्गा जी की तरफ देख रहा है। उसके बाद साड़ी का जो थोड़ा डिज़ाइन वो भी बनाऊँगा स्केच पेन से। देखिए थोड़ा डार्क कर रहा हूँ लाइन को, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर से साड़ी का थोड़ा डिज़ाइन मैं करूँगा। अभी क्या करूँगा, हाईलाइट जो पार्ट है वाइट वाला, मैं वाइट पेन से थोड़ा आउटलाइन जो है हाईलाइट पार्ट को मैं करूँगा। इसके बाद ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा ये ड्राइंग, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक देना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को, पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।